तो क्योंकि सामने ग्रीन लाइट है और अब रेड हो चुके हैं तो हमें रुकना पड़ेगा। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. जी। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम निकले अपने डेली वॉक पे। जैसा कि आप देख सकते हैं आज धूप तो नहीं है बट मौसम फिर भी ठीक है, थोड़ी ठंड हो गई है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आज सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही है, तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको सड़क थोड़ी गीली दिखेगी और धूप भी नहीं है, तो क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और अगले 3-4 दिन बारिश का ही मौसम है। तो इस मौसम में हम देखते हैं अपने घर के आसपास कहाँ घूम सकते हैं और साथ ही साथ आपको भी दिखाते हैं कि हमारे घर के आसपास क्या क्या है, कैसे पार्क्स हैं, उन पार्क में क्या क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। Won't stop for traffic lights. And I really wanna know where the... तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में ये है साइकिल पाथ। तो ये साइकिल पाथ रेड कलर में पेंटेड रहता है सब जगह पे और इसी पे लोग साइकिल चलाते हैं। कुछ जगहों पे ये चीज़ आपको ग्रीन कलर में भी दिखेगी और जहाँ पे ये रेड पाथ नहीं होगा उसका मतलब है आप मेन रोड पे भी साइकिल चला सकते हैं। जैसा आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं तो हमारे घर के पास है डोमिनोज़, बट यहाँ के डोमिनोज़ में इंडिया जैसे पिज़्ज़ा ऑप्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं। मे बी आने वाले टाइम में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के पिज़्ज़ा ऑप्शंस जैसे डोमिनोज़ या पिज़्ज़ा हट या यहाँ के लोकल पिज़्ज़ा और वहाँ पे कौन कौन से पिज़्ज़ा ऑप्शंस मिलते हैं, क्या क्या होता है वेज में और क्या क्या होता है नॉन वेज में। यहाँ पे आपको साइकिल पे ऐसे बैग लटकाए हुए फूड डिलीवरी करते हुए बहुत से लोग देखेंगे, जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे फूड डिलीवरी करते हुए आपको देखेंगे और यहाँ पे साइकिल पे फूड डिलीवरी करना बहुत ही आम बात। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये रोड पे साइकिल पाथ बना हुआ है और आगे जाके ये रेड साइकिल पाथ में ज्वाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे साइकिल चलाएंगे और फिर आगे जाके अपने साइकिल पाथ पे चलेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये रेड लाइट यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है, तो अब हम रोड क्रॉस करेंगे। इसके बाद ये है हमारे घर के बिल्कुल ही पास हमारा फेवरेट कैफ़े। जनरली सुबह सुबह वीकेंड्स पे जब हम साइकिलिंग करने निकलते हैं या वॉक पे निकलते हैं तो हमारा यही पॉइंट है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट का मतलब यहाँ पे सैंडविचेस और कॉफ़ी होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अभी यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है और हम लेते हैं अपने लिए कॉफ़ी यहाँ से। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये सारी हैं स्वीट्स। उसके बाद हम जाते हैं सैंडविच सेक्शन में, तो यहाँ पे है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सैंडविचेस। वो वाला मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि उसमें सिर्फ चीज़ और ब्रेड को टोस्ट किया हुआ है जैसे आप घर में बनाते हैं। उसके बाद आता है केक सेक्शन। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ केक्स रखे हैं क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं तो केक्स ख़त्म हो चुके हैं, बट सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट चीज़ केक है यहाँ पे। गाइस ये हमने ले ली है अपनी कॉफ़ी, ये है कैपेचिनो विदाउट शुगर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में हर गली नुक्कड़ पे एक चाय की टपरी होती है, यहाँ पे कॉफ़ी कल्चर फेमस है। तो यहाँ पे जगह जगह पे कॉफ़ी शॉप्स होंगी जहाँ पे बहुत सारे सैंडविचेस, कुकीज़ और बहुत टाइप चीज़ केक्स भी मिलेंगे आपको और बहुत सारी कॉफ़ीज होंगी। तो यहाँ पे कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा आता है क्योंकि ठंड में आप बहुत इंजॉय करोगे। तो और जैसे सौम्या पहले कॉफ़ी नहीं पीती थी, अब उसे भी कॉफ़ी की आदत पड़ गई है और मैं चाय बहुत पीता था बट अब मैं भी कॉफी पीता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. तो जैसे आप ये मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं ब्लू बोर्ड में यू का सिंबल। इस यू सिंबल का मतलब है जर्मन में उंटरग्रुंड बान, मतलब अंडरग्राउंड रेलवे, और ये एक ट्रेन स्टेशन है।
बर्लिन में ऐसे लगभग 170 से 180 ट्रेन स्टेशन हैं और यहाँ पे आपको ट्रेन हर 2 से 5 मिनट के बीच में मिल जाती है। और यहाँ पे जनरली सारे स्टेशन के पास ऐसे पार्किंग के लिए स्टैंड रहते हैं। जब हम भी यहाँ पे नए नए आए थे तो हमको भी समझ नहीं आया ये है क्या। हमको शुरू में लगता था शायद ये स्लीपिंग स्टूडियो और यहाँ पे लोग जाके 10 से 15 मिनट के लिए पावर नैप लेते हैं, बट बाद में हमको पता चला कि ये स्लीपिंग स्टूडियो नहीं, ये सन बेदिंग स्टूडियो है और यहाँ पे लोग सन टैनिंग या सन बेदिंग के लिए जाते हैं। इनकी कॉस्ट की बात करें तो आपके लगभग 4 से 5 यूरो लगते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स। ये इनकी स्टार्टिंग रेंज है और आप अपना टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और क्योंकि विंटर में यहाँ पे सन बहुत कम होता है तो यहाँ पे काफी लंबी लाइन्स लगती हैं। और अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये लेफ्ट में आपको दिखेंगे इस बिल्डिंग के लिए डस्टबिन्स। यहाँ पे सब डस्टबिन्स अलग अलग रहते हैं फॉर ड्राई एंड वेट वेस्ट। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. तो आप ये जैसे मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, ये है कीटा। कीटा मतलब छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल। तो आज तो ये बंद है, बट सुबह सुबह यहाँ पे आप देखेंगे खूब छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनके लिए प्लेग्राउंड है यहाँ पे, वो अपने यहाँ पे खेलते रहते हैं। और ऐसे कीटाज आपको हर एरिया में मिलेंगे। तो हम वॉक करते करते पहुंच गए अपने घर के पास छोटे पार्क में। तो ये बहुत छोटा सा पार्क है, बट ऐसे पार्क्स आपको सब एरियाज में मिलेंगे। हार्डली 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे आपके घर से एक छोटा पार्क ज़रूर होगा यहाँ पे। और इस पार्क में आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली मेंटेन पार्क है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और छोटे बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने झूले और बाकी सारी चीज़ें भी लगाई हुई है। जिस दिन यहाँ पे धूप होती है उस दिन यहाँ पे लोग पिकनिक भी मनाते हैं, अपना चादर लेके आते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद अपना ड्रिंक्स इंजॉय करते हैं या अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अपना इंजॉय कर रहे हैं। दो आज वेदर इतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि छुट्टी है तो इसलिए बच्चे यहाँ पे खूब खेल रहे हैं। और यहाँ पे सरकार इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि बच्चों के खेलने के लिए जगह हो पार्क में, और सिर्फ जगह ही नहीं प्रॉपरली उस जगह को मेंटेन किया हो, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के झूले हों ताकि बच्चे उस पर खेल पाएँ। ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है तो हम रोज़ ही यहाँ पे आ जाते हैं वॉक करने, और हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं बड़े क्यूट से, और सिंस यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पार्क का और व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन पार्क है, और अभी तो समर शुरू हुई है और धीरे धीरे और ग्रीनरी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आने में और मज़ा आएगा। और पार्क में सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी ध्यान रखा जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बड़ों के लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बड़ों का भी ध्यान रखा जाता है, तो अगर आपको वहाँ दिख रहा हो दूर तो वहाँ पे लोग खेल रहे टेबल टेनिस, और ये एक पब्लिक टेबल है और ऐसी टेबल यहाँ पे आपको जनरली सारे पार्क्स में मिल जाएंगी। तो ये एक यहाँ पे टेबल है, उसके पीछे की साइड दो और टेबल्स हैं तो वहाँ पे भी लोग खेल सकते हैं। अभी ये टेबल ऑक्यूपाइड है, जब खाली होती है तो हम भी यहाँ पे खेलते हैं। अगर आप दूर वहाँ देख पाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो ये अब हम निकल रहे हैं पार्क से बाहर और हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ, और ये आपको सामने दिख रहा होगा रिंग सेंटर, तो ये है यहाँ का मॉल। इस मॉल में आपको सब चीज़ें मिल जाती है, ग्रोसरी या कपड़े, और आजकल यहाँ पे कोविड का टेस्ट भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आपको शॉपिंग करना है या कोई भी नॉन एसेंशियल काम करना है तो आपको उसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा, और हफ्ते में 2 टेस्ट फ्री है तो यहाँ पे आपका वो टेस्ट भी हो जाता है। ये आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं येलो कलर में, तो ये है ट्रैम यहाँ की, और ये अभी स्टॉप पे खड़ी थी, अभी चल रही है यहाँ पे। तो ये ट्रैम्स और पहले जो मैंने आपको ऊपर सिखाया ये बहुत एक्सेसिबल हैं, आपके घर के पास इनका कोई ना कोई स्टॉप हो गई और आप इसमें बैठ के किसी भी कोने में बर्लिन के जा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो पहले आपको मैंने ट्रैम दिखाई थी ये उसका स्टॉप है, और ये रोड के बिल्कुल बीचों बीच है,
हाँ बट यहाँ पे ऐसे स्टॉप्स रहते हैं और आप यहाँ बैठ के ट्राम का वेट कर सकते हैं। और अगर आपको दिख रहा हो ये तो ये है यहाँ का ट्राम कितनी देर में आने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे लगे रहने बोर्ड जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी ट्राम कितनी देर में है। ये तो था थोड़ा सा हमारे घर के आसपास का वॉकिंग टूर, और अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं तो वो भी हम आपके साथ आने वाले समय में कवर करेंगे। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो वीडियो में आपको पसंद आया हो वो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है तो वो भी हमें बताइए कि आपको क्या पसंद है यार। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोज़ बनाने की। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ एंड स्टे सेफ। गलत बोल दिया ना, क्या कहाँ से शुरू करूँ।